मेरा हक आज घर का माहौल बड़ा ही गमगमी वाला था। अचानक एक साथ पूरे परिवार यहाँ मौजूद था। ना सिर्फ ममता के ससुराल का बल्कि उसके मायके का भी, वो परिवार जिसके सदस्यों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, आज अचानक यहाँ सब इकट्ठा हो गए थे। ममता की परेशानियों को ना सुनने वाला परिवार आज सिर्फ एक फोन कॉल पर ही अपने अपने घरों से निकल कर यहाँ आ गए। जिसे जो मन में आ रहा था वो बोले जा रहा था। ससुराल वाले अपने तरफ से शिकायत करते और मायके वाले अपने तरफ से जवाब देते। दोनों तरफ से माहौल गर्म था। सब उसे बड़े से हाल में बैठ करके अपने मन की भड़ास निकाले जा रहे थे और ममता वो एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर सब की बातें सुन रही थी। उसकी नजरें अभी भी फर्श पर ही थी। वो किसी को नजर उठाकर देख भी नहीं रही थी या शायद देखना भी नहीं चाहती थी। एक साल पहले तक उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। माँ पापा की लाडली बेटी थी। घर में भैया भाभी दोनों थे। अभी ग्रेजुएशन के पहले साल में ही थी। उस दिन जब वह कॉलेज से लौट कर आई तो घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। किसी ने बताया कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। सुनते ही बदहवास सी घर के अंदर दौड़ी। देखा तो भाभी घर में अकेली थी। थोड़ी देर बाद भैया की कार घर के बाहर आकर रुकी। उसके पीछे पीछे एम्बुलेंस आकर रुके। वहीं उसमें से दो डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके थे और यहाँ ममता की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। 15 दिन तो क्रियाक्रम में ही निकल गया, पर उसके बाद भाभी और भैया का व्यवहार उसके लिए बदलने लगा। कहाँ तो वो घर की लाडली बेटी थी, पर अब हालात वैसे ना थे। भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी या कहकर कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो और जमाना खराब है, हम तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने देंगे, घर का काम सीखो, ससुराल में यही काम आएगा। 2-3 महीने होते होते भाभी ने उसकी शादी की रट लगा दी। बड़ी मुश्किल से भैया भाभी मम्मी पापा की छमाही तक रुके थे। जैसे ही मम्मी पापा की छमाही कोई अनान फनान में भैया ने बिना किसी से पूछताछ से मुकुल के साथ उसका विवाह करा दिया। मुकुल उम्र में ममता से 8 साल बड़ा था। वो घर का बड़ा बेटा था। अपने पिता के साथ कपड़े का व्यापार करता था। उसका परिवार भी बड़ा रूढ़िवादी था। घर में सास ससुर और एक कुंवारी नंद थी। नंद तनु 25 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। 20 वर्षीय ममता उस घर की बहू तो बनकर आ गए, लेकिन उसके साथ उसके परिवार वालों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सारे नियम कायदे ममता के लिए बना दिए गए। सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती और उसके बावजूद भी दस्ताने सुनती। जरा सी कमी रह जाने पर सास सबके सामने ही लताड़ देती। पर मजाल की घर में कोई सदस्य कुछ कह जाए। शादी के कुछ दिन बाद ही ममता अपने कमरे में थी। सास रमा जी बाहर किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी और तनु टीवी पर तेज आवाज में गाने सुनते सुनते फुली खा रही थी, पर छिलके वही हॉल में फर्श पर फेंके जा रही थी। तभी ससुर जी और मुकुल कुछ मेहमानों के साथ घर में दाखिल हुए। हॉल में फैले हुए कचरे और टीवी की तेज आवाज से ससुर जी और मुकुल झेप गए। वही मेहमान भी चुपचाप खड़े रह गए, पर तनु का ध्यान अभी भी दरवाजे पर नहीं गया।
मुकुल ने एक दो बार आवाज लगाई, लेकिन तेज आवाज में तनु ने सुना ही नहीं। ससुर जी ने इशारा किया तो मुकुल ने जाकर टीवी बंद किया। जब जाकर तनु का ध्यान उसकी तरफ गया, आखिर सब पकाती हुई वो वहाँ से उठी और कचरे ऐसे ही छोड़कर कमरे में चली गई। मुकुल अंदर ममता को बुलाने चला गया और ससुर जी मेहमानों को लेकर बरामदे में खड़े हो गए। ममता ने फटाफट जाकर हॉल की सफाई की, तब मुकुल ने मेहमानों को अंदर बुलाया। इतने में रमा जी भी पड़ोस से आ गए। चाय नाश्ता कर मेहमान वहाँ से चलते बने, लेकिन उसके बाद ससुर जी ने रमा जी को सुनाने में कसर भी नहीं छोड़ी। जब तुम्हें फोन करके कह दिया था कि घर में तनु को देखने मेहमान आने वाले हैं, तो घर की सफाई तो रखनी चाहिए थी ना। तुम लोग की बेवकूफी के कारण कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, रमा जी ने कहा। अरे जब आपने फोन किया था तो मैं पड़ोस के घर पर थी, पर जब मैं यहाँ से गई थी पूरी साफ सफाई थी। हाँ, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, जो घर फैला देते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। क्या इज्जत रह गई हमारी, जाते जाते भी वो लोग जवाब दे गए कि सोच कर बताएंगे। भला ऐसे घर की लड़की को कौन अपनी घर की बहू बनाएगा। ससुर जी तो सुनाकर वापस अपने दुकान पर चले गए, लेकिन रमा जी तनु पर गुस्सा करने की जगह ममता पर गुस्सा करने लगी। देख, तेरे कारण हमें 10 बातें सुननी पड़ी, ऊपर से लोगों के सामने हमारी नाक कट गई। जब से यहाँ मनहूस हमारी घर में आई है, तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है। पर मैंने क्या किया मम्मी जी, वह तो तनु दीदी। ममता उसके आगे बोल नहीं पाई। रमा जी ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा शुरू कर दिया। मेरी बेटी को दोष दे, तेरी तरह मनहूस नहीं है वो, बहुत भाग्यशाली है। अपनी गलती उसके ऊपर मत डाल। बस उसके बाद घर का माहौल खराब हो गया। शाम को जब मुकुल घर पर आया तो रमा जी ने एक की दो लगा कर कही। उसकी बात सुन कर के मुकुल को भी गुस्सा आ गया और वो तमाते हुए अपने कमरे में गया और ममता के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दी। उसकी तो उसने एक भी बात नहीं सुनी। हमारे घर में रहना है तो हमारे तरीके से रहना पड़ेगा, वरना निकल जा यहाँ से अपने भाई के घर पर। पर मुकुल ये शब्द सुनकर ममता हैरान रह गई, पर घर में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि ससुर जी ने भी अपने बेटे को समझाना पसंद नहीं किया। ममता ये बर्दाश्त न कर पाई और अपना सामान पैक कर अपने मायके रवाना हो गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि भैया तो उसका साथ देगा, पर यह सिर्फ एक कोरा झूठा साबित हुआ। ममता को अचानक मायके के दरवाजे पर देख करके भैया भाभी तिलमिला गए। भाभी ने तो घर में उसे घुसने भी नहीं दिया। वही दरवाजे पर खड़ी अपनी नंद पर चिल्लाती हुई बोली, अरे अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आ गई, जिंदगी भर क्या हमारी छाती पर मूंग दलेगी। अरे मैं भी ससुराल में रहती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह दोहरा चरित्र नहीं दिखाती, क्या इज्जत रह गया जाएगा समाज में हमारी। ममता पहले से ही परेशान थी, भाभी की बात सुनके उसे रोना आ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही भैया बोला, देख ममता, हमने तेरी शादी कर दी है, अब जीना है मरना है जैसे भी रहना है, तुझे तेरे ससुराल में ही रहना है, हमें माफ कर दे। कहते हुए भैया ने ममता के सामने हाथ जोड़ लिया। उसके आगे ममता
कुछ कह ना पाई। इसके आगे तो ममता को सूझ भी नहीं पाया। वो तो दरवाजे पर बुत बनी खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद भैया अपने कार में बैठा करके ममता को वापस ससुराल छोड़ाया। रमा जी ने बड़े ही कुटिल मुस्कान के साथ उसकी स्वागत किया। बस वही एक लम्हा था जिसे ममता के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिया। साथ ही उसके ससुराल वालों के हाथ हमेशा के लिए खोल दिया। अब तो उसे परेशान करने में रमा जी कोई कसर नहीं छोड़ती। बहुत गई थी न भाग करके, क्या हुआ मायके वालों ने धक्का मार के खुद ही छोड़ दिया। ममता सुनकर चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। अब तो आए दिन मुकुल उस पर हाथ उठाने लगा था। जानता था कि ममता जाएगी तो जाएगी, कहीं भी नहीं तो घर की चक्की में पीसने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन आज ममता के माता पिता की पुण्यतिथि थी। ममता को रह रहकर उनकी बड़ी याद आ रही थी, पर फिर भी घर के काम तो करने ही थे, इसलिए चुपचाप अपने कामों में लग भी हुई थी। शाम को सबको खाना खिलाने के बाद ममता ने गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा और वही रसोई में खड़ी रह हो गई। खड़े खड़े ही उसे अपने माता पिता के साथ वो दिन याद आने लगे जब वो उनके साथ बड़ी खुशी खुशी रहती थी। मन में ये विचार आने लगा कि आज मम्मी पापा जिंदा होते तो उसकी जिंदगी कुछ और होती। वो अपने ख्यालों में इतना खो गई कि उसे यहाँ भी ध्यान नहीं रहा कि गैस पर चढ़ा दूध उबाल कर बाहर निकल गिरने लगा है। इतने में रमा जी रसोई में आ गई। हालांकि दूध थोड़ा बहुत ही उबाल कर गिरा हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बात का हंगामा कर दिया। ये दूध क्या तेरे मायके वालों रख कर गए हैं? यहाँ पर पैसे नहीं लगते, जिसके जो नुकसान कर रही है मम्मी जी। वो आज मम्मी पापा की पुण्यतिथि थी तो इसलिए उसकी याद, ममता ने कहना चाहा, पर उससे पहले ही रमा जी बोली, अरे वाह, अपने मम्मी पापा की याद में आंसू बहा रही है और यहाँ जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन तेरे मरे हुए माता पिता करेंगे? ये बात ममता से सहन नहीं हो पाया और वो बोली, भला मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों घिसीट रही हैं आप? गलती मैंने की है तो मुझे सुनाइए, मेरी मम्मी पापा को नहीं। ओहो, मम्मी पापा के नाम पर मुंह में जबान आ गया। भूल गई कैसे, तेरे भैया तुझे यहाँ छोड़ कर गया था। रमा जी अपने ही धुन में बोले जा रही थी। उसकी बात सुन कर के ममता अपने कमरे में आ गई, लेकिन रमा जी इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई और आते ही बोली, लगता है अभी कुछ दिन पहले पड़ी मार का असर कम हो गया है, आज फिर से डोज देना पड़ेगा तुझे। इतने में मुकुल भी कमरे में आ गया और रमा जी ने एक की दो लगाकर उसे हर बात कही। सुन करके मुकुल बोला, बिना मार खाए तो यह कभी सीधे चल भी नहीं सकती, मैं इसे अभी बताता हूँ। कहते हुए मुकुल ममता की तरफ बढ़ा और उससे जोरदार धक्के दे मारा, जिसके कारण ममता पलंग पर जाकर गिरी। मुकुल उसे मारने के लिए उसकी तरह बढ़ा ही था कि ममता का हाथ पलंग पर पड़े मुकुल के बेल्ट पर गया। उसने उसे उठाया और पलट कर मुकुल को खींच कर उसे बेल्ट से मारा। बेल्ट की मार पड़ने ते ही मुकुल दूसरी तरफ जा गिरा और उसकी चीख निकल गई। यह देखकर रमा जी जोर से चिल्लाई, हे भगवान, बहू ये क्या कर रही है? पर इस बार ममता रुकी नहीं, उसने उसे बेल्ट से पलट कर 3-4 बार मुकुल
पर दोबारा पूरी हिम्मत करके वार किया। ममता के व्यवहार से मुकुल बिल्कुल हैरान रह गया था, इसलिए अपने आप को संभाल भी नहीं पाया। रमा जी ममता का हाथ पकड़ने के लिए उसके तरफ लपकी तो ममता ने उन्हें भी धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। अपने आप को संभालती हुई रमा जी चिल्ला कर बोली, मुकुल जल्दी बाहर निकल, तेरी पत्नी पर तो पता नहीं आज क्या भूत सवार हो गया है। अपनी माँ की बात सुनते ही मुकुल जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ कमरे के की ओर भागा। उसने फटाफट कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अब पूरा परिवार यहाँ इकट्ठे हो रखा था। ममता के भैया भाभी के आने के बाद ही कमरे का दरवाजा खोला गया और ममता को बाहर बुलाया गया। तभी ममता यह सब सोच ही रही थी कि उसकी भाभी ने उसे पास आकर उसकी बांह को पकड़ कर के पूरी तरह से झकझोर दिया। आखिर चाहती क्या है तो अपने माता पिता के साथ तू भी खत्म हो जाती है तो कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखने को नहीं मिलता। अरे लेकर जाओ इसे अभी के अभी, कितनी बुरी तरीके से मारा है मेरे बेटे को, देखो उसके शरीर पर नील के निशान तक पड़ गए। रमा जी अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए बोली। तभी भैया हाथ जोड़कर खड़े होते हुए बोले, समधी जी मैं समझ रहा हूँ, अपनी बहन को भैया कुछ कहने के लिए उसके पास आए। इतने में ममता बोली, मुझे तलाक चाहिए, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती और ना ही इस परिवार के साथ। ममता की बात सुनकर के भैया पैर वहीं के वहीं रुक गए, लेकिन भाभी बोली, अच्छा तलाक लेकर जाएगी कहाँ, उस घर में तो मैं तुझे घुसने नहीं दूंगी, आप कौन होती है मुझे वहाँ आने से रोकने वाली, ममता ने धीरे से कहा। तो भाभी चिल्लाते हुए बोली, वो मेरा घर है, वह मेरा चलेगा, तेरी नहीं। भाभी की बात सुनकर के ममता बोली, वो मेरा माता पिता का घर है, आपका नहीं, उस पर मेरा भी हक है और अब मैं अपना हक लेकर रहूंगी। बहुत सह लिया मैंने, अब तो मैं नंद को अपना हक मांगते देख करके भाभी के पसीने छूटने लगे। अब उन्होंने पटकते हुए कहा, अरे लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, तुम्हारी भैया बात कर तो रहे हैं, फिर क्यों बेवजह बकवास किए जा रही हो। और फिर रमा जी से कर कहा, अरे समधन जी क्यों बेटी का घर बिगाड़ रहे हो, आपकी तनु के लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, अगर ये बात बाहर निकल गई तो अब तो रमा जी भी अपना सुर बदलने लगे। लेकिन ममता अपना दिल पक्का कर चुकी थी, वो बोली, मुझे आप लोगों की हमदर्दी की अब कोई जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे तलाक चाहिए और इसमें भरण पोषण के पैसे भी चाहिए, साथ ही मुझे मायके के मकान में अपना हक चाहिए, अब मैं किसी की मोहताज नहीं रहूंगी, अपने पैर पर खुद खड़ी होंगी। कह करके ममता अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। अब अपना सामान पैक कर बाहर आई तो मुकुल ने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन ममता ने कहा, मेरा रास्ता छोड़ो वरना मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, अब मैं किसी भी तरीके से झुकने वाली नहीं हूँ। पुलिस का नाम सुन करके मुकुल डर कर रास्ते से हट गया। ममता वहाँ से निकल करके सबसे पहले सुनार की दुकान पर पहुँची और अपनी सोने की अंगूठी बेच करके पहले एक वकील हायर किया और सीधे अपने मायके वाले घर पर पहुँच गई। भाभी ने दरवाजा खोलने से इनकार किया तो पुलिस की मदद लेकर घर का दरवाजा खुलवाया
और घर में दाखिल हो गए। ममता का अस्पष्ट रुख देखकर भैया भाभी ने अपने आप ही घर के मकान में उसे उसका हिस्सा दे दिया, जिससे उसके हिस्से में घर के दो कमरे आए। एक कमरे में खुद रहने लगी और दूसरा कमरा किराया पर चढ़ा दिया। वही तलाक में भी आए भरण पोषण के पैसे से अपने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही आस पड़ोस के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज वो खुद एक वकील बन चुकी है।